Yes. Good morning, everyone. Good morning. Good morning to all my students. Good morning. Good morning. Bhaskar, Monica, sabko good morning. Good morning. Good morning. Anupam, good morning. गुड मॉर्निंग. एक बार तो मुझे ऑडियो वीडियो सब बता दीजिए. सब ठीक है ना? ऑडियो वीडियो सब ठीक है? रिस्पॉन्ड कर दीजिए. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो डेट आई स्टार्ट द सेशन. इज एवरीथिंग ओके और नॉट? यस, एवरीथिंग इज ओके. नाउ दैट आई हैव गॉट द ग्रीन सिग्नल. ग्रीन सिग्नल मीन्स स्टार्ट किया जाए. एवरीथिंग इज ओके. ठीक है, जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं, जब तक हमारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, ओके, तब तक बात कर लेते हैं बैच के बारे में. ठीक है, उसके बाद सीधा फिर बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगा. बैच दो बैच इस मंथ में अनअकैडमी के बैचेस के बारे में बता देती हूँ. थ्री बैचेस ऑलरेडी शुरू, मतलब एक बैच तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है. कल से एक नया बैच शुरू हो रहा है. ओके, टुमारो इटसेल्फ वी हैव अ न्यू बैच. टुमारो इज 12th नवंबर से एक नया बैच शुरू हो रहा है. 3:30 बजे, 3:30 बजे का टाइमिंग है. 3:30 से 5, डेढ़ घंटे का बैच होगा. दैट इज अ प्रैक्टिस बैच ऑन ग्रामर. ग्रामर का प्रैक्टिस बैच है. इसमें पढ़ना नहीं है, जितना पढ़ रखा है उस पर प्रैक्टिस करना है. ठीक है, इसमें हम स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे. ये बैच में हमें क्या करना है, पहले हमें सारा प्रीवियस पेपर कवर कर लेना है. इस बैच में थोड़ा सा अलग स्ट्रैटेजी है. व्हाट वी हैव टू डू, जनरली मैं अपने क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस बैच में देती हूँ और लास्ट में प्रीवियस करते हैं. बट इस बैच में हमें अपने पूरा प्रीवियस पेपर बना लेना है. आज तक प्रीवियस ईयर से जितना भी ग्रामर का एरर आया है, प्रीवियस ईयर से जितना भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एरर आया है, पहले हमें उसे कर लेना है. ओके, तो फर्स्ट वी विल मूव टू दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. पहले प्रीवियस ईयर बना लेंगे, एरर का भी और इंप्रूवमेंट का भी. उसके बाद फिर मैं आपको नए नए क्वेश्चंस दूंगी. तो जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है और जिन्होंने प्रैक्टिस का मूड बनाया है, जिनका स्कोर नहीं बन रहा है पढ़ने के बाद भी, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. बता रही हूँ स्मार्ट शानी, वो भी बता रही हूँ. ये तो ग्रामर का बैच हो गया और ये कल से स्टार्ट हो रहा है. ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ धनतेरस वी आर हैविंग अ न्यू बैच, दैट इज अ प्रैक्टिस बैच ऑन ग्रामर. ये 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है. एंड देन द हाईली अवेटेड बैच, हाईली अवेटेड बैच है, दैट इज वोकैब बैच. वोकैब बैच का वेट कर रहे हो आप लोग काफी दिनों से. तो ये जो वोकैब बैच स्टार्ट हो रहा है, दिस इज आफ्टर दीपावली. ठीक है, 18 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और इसकी टाइमिंग होगी 8 to 9:30 मंडे से फ्राइडे चलेगा ये बैच. ठीक है, मंडे से फ्राइडे का बैच. वोकैब का मतलब क्या है? वोकैब में सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं है, क्लोज टेस्ट है, पैसेज है, पैराजम्बल्स, इडियम्स, फ्रेजेस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, ये तो हो गया है. ये बैच अभी अपकमिंग में है और एक फाउंडेशन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया 2 नवंबर, जिसमें अभी 4 to 5 क्लासेस हुए हैं. प्री प्लस मेंस का बैच, ठीक है, ये 2 घंटे का बैच है प्री प्लस मेंस. तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. एंड द ब्यूटी ऑफ अनअकैडमी इज दैट इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, एक ही सब्सक्रिप्शन पे आपको तीनों बैचेस मिल जाएंगे. ठीक है, तीनों बैचेस के लिए आपको अलग अलग पे नहीं करना है. बस आपको ये कोड यूज करना है, RANI10, RANI10. ये कोड को यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. और अब स्टूडेंट सब 1 ईयर का ही ले रहे हैं, 6000 दिखाएगा, बट अगर कोड यूज करते हो तो 5400 आपको पूरा मिलेगा, पूरे कोर्सेज. और मेरे कोर्सेज के अलावा आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, यस, सबका कोर्स हो जाएगा. ओके, हाँ, 1 साल तक आपके लिए पूरा अन अकेडमी का पोर्टल आपके पास खुला है. मैथ्स इंग्लिश का तो आपको सारे बैचेस मिलेगा ही, प्लस मैंने पिछले 1 साल में जितना भी पढ़ाया है वो सब भी मिल जाएगा. और मैथ्स का आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हो, रीजनिंग, जीएस, तो पूरा कंटेंट है. ओके, चलो अब नया स्टार्ट किया जाए. अब अपने इडियम्स पे चला जाए, डिस्कस हमने कर लिया. ओके, इडियम्स आज का जो सेशन है दैट इज ऑफ इडियम्स. इडियम्स का सेशन है. इडियम्स में बच्चों का कंप्लेन होता है कि मैम कितना याद रखे, कैसे याद रखे. ठीक है, इडियम्स याद करने का, और इसके पहले भी इंग्लिश विद रानी मैम प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको बहुत सारा इडियम्स करवाया हुआ है. वी हैव डन अ लॉट ऑफ इडियम्स, बहुत सारे इडियम्स किए हैं. आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा. ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देखना. मैंने कलर से रिलेटेड इडियम करवाया, कलरफुल इडियम्स में रेड, ब्लू, ग्रीन, वो सब करवाया, सिल्वर,
फिर हॉर्स एनिमल्स एडियम्स है, हॉर्स से जितना एडियम्स बनेगा, कैट वाला करवाया है, डॉग वाला करवाया है, बहुत सारे हैं, ग्रीक गॉड्स वाला करवाया है, तो जितने भी एडियम्स है बहुत सारा है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, सारा मिल जाए, ठीक है। अब थीम वाला तो बहुत सारा एडियम्स हो गया, नाउ आई हैव डिसाइडेड कि कुछ अलग से थीम के अलावा करें। हाँ मैम, सी एच एस एल में 50 में 50 बाय योर वीडियो, वेरी गुड, कीप गोइंग। अन अकेडमी में कोर्स ज्वाइन करना है, इस नंबर पे मॉनी फोन करना, आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाए, ओके। 9540809387 आपको एक कोड सेंड कर दिया जाएगा, ओके। 9540809387। चलो अभी बातें बंद, राइज विद द लार्क। पहले तो आप लोग मुझे बताओगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम। मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, बट इसको याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ। राइज विद द लार्क, इसको कैसे याद करूँ? व्हाट इज दिस लार्क? दिस लार्क इज अ बर्ड, ओके। ये लार्क एक बर्ड है, जैसे छोटे स्मॉल बर्ड है, जैसे स्पैरोज होते हैं ना, स्पैरो की तरह ये लार्क एक बर्ड है। और ये बर्ड किस लिए जाना जाता है? अपनी सिंगिंग के लिए। इस बर्ड की जो आवाज होती है ना, this bird, it's a small bird like a sparrow, and this bird has a very sweet voice. Iski awaaz bahut sweet hai, and it's known for its singing. Singing ke liye to jana jata hai, but is bird ka ek aur naam hai. Isko hum lark ko early bird bhi bolte hai. Lark ko hum early lark, yes, skylark bhi ek bird hai. लार्क को हम अर्ली बर्ड भी बोलते हैं। इसको अर्ली बर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मॉर्निंग में बहुत जल्दी सुबह उठ के सिंगिंग शुरू कर देते। इट हैज अ वेरी स्वीट वॉइस, यस। इसकी आवाज बहुत स्वीट है और ये अर्ली बर्ड है। अर्ली बर्ड मतलब सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है। तो राइज विद द लर्क का मतलब क्या है? लर्क के साथ राइज होना, मतलब इस वर्ड के साथ राइज होना, मतलब वो लोगों के लिए हम ये इडियम्स यूज करते हैं, अ पर्सन हु गेट्स वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो राइज विद द लर्क, लर्क मतलब ये बर्ड के साथ सुबह सुबह जल्दी उठ जाना। तो वन हु राइजेस, क्या हो गया, वन हु राइजेस अर्ली इन द मॉर्निंग। रुको, यहां से सारा चीज हटाती हूँ, अब क्लीन करती हूँ। तो बस याद रखो, ये जो लर्क है, इट्स अ बर्ड, इसको हम बोलते हैं अर्ली बर्ड। ये बर्ड दो चीज के लिए जाना जाता है, ये तो ये सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है, अर्ली बर्ड है, और दूसरा सिंगिंग, स्वीट सिंगिंग के लिए जाने जाती है। तो राइज विद द लर्क मतलब समवन हु राइजेस वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठने वाले के लिए आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, समवन हु राइजेस। कभी कभी आप बोलते हो ना, ही इज एन अर्ली बर्ड, ही इज एन अर्ली बर्ड, सुबह जल्दी उठ जाता है, जल्दी पहुंच जाता है जहां भी, समवन हु राइजेस अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट सेंटेंस, कुकू इन द नेस्ट। कुकू किसको बोलते हैं? कुकू किसको याद रखने का तरीका मैं बताती हूँ। कुकू किसको बोलते हैं? कुकू किसको बोलते हैं? कुकू इज अ कोयल। वैसे कुकू इन द नेस्ट किसको बोलते हैं? एन अनवेलकम पर्सन, ऐसा पर्सन जिसकी वहां पर जरूरत नहीं है बट जबरदस्ती घुसा है, अनवेलकम पर्सन, ठीक है, अनवेलकम इंट्रूडर, अनवेलकम या अनवांटेड पर्सन, बता रही हूं उसको याद कैसे करना। अनवेलकम जिसकी वेलकम मतलब उसको वहां जरूरत नहीं है, जबरदस्ती घुसा है, अनवेलकम पर्सन, पर्सन भी यूज कर सकते हो, या इंट्रूडर इन अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी प्लेस में आप जबरदस्ती घुसाए हो, वहां आपका वेलकम नहीं किया जा रहा, किसी सिचुएशन में भी आप कुकू इन द नेस्ट बन जाते हो, किसी सिचुएशन में आपकी जरूरत नहीं है, आप जबरदस्ती घुस के आके बैठ गए हो, ठीक है। हाँ, इसको कैसे याद करोगे? कुकू इज कोयल। कोयल का काम क्या होता है? कोयल का जैसे लार्क का खास बात क्या था? कुकू इज ऑल्सो बर्ड। लार्क का खास बात था कि वो अर्ली जग जाती थी, और कुकू क्या करता है? कोयल ना कभी भी अपना एग अपने नेस्ट में नहीं ले करता है, ओके। अ कुकू लेज एग्स इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स। कुकू का काम क्या, कुकू में खास बात क्या है कोयल का, कि ये जो अंडे है ये अपने नेस्ट में नहीं ले करता, ये दूसरे के नेस्ट में जाके अंडे ले करता है, और जो अंडे अंडे से जो उसके यंग वंस निकलते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो दूसरी चिड़िया का नेस्ट है उसके अंडे को फेंकना शुरू कर देते हैं, हटाना शुरू कर देते हैं, और उनके उनके नेस्ट में अपना कब्जा कर लेते हैं। यस, उनके नेस्ट में अपना कब्जा कर लेते हैं वो।
तो कुकू इन द नेस्ट ऐसे लोग होते हैं ना जो अनवांटेड है, दूसरे की टेरिटरी में जाके घुस बैठ करना, कोयल की तरह दूसरे के घोंसले में जाके अंडे देना, और जो जो बर्ड का वो खुद का नेस्ट है उनके अंडे को वो धीरे धीरे फेंकने लगते हैं, ठीक है। और ये कुकू जो होते हैं ना, ये जो स्मॉल बर्ड्स होता है उनके नेस्ट में जाके अंडे देते हैं ताकि फिर उनको वहां से हटाना मुश्किल हो, मतलब इजी हो जाएगा उनके लिए। तो अ कुकू इन द नेस्ट, नेस्ट का मतलब होता है अनवेलकम पर्सन, ठीक है, इन द नेस्ट। नेक्स्ट आ जाओ डैम स्क्विब। डैम स्क्विब का मतलब क्या है? डैम स्क्विब, डैम स्क्विब किसको बोलते हैं? अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्विब? स्क्विब का मतलब बताना। स्क्विब, स्क्विब का मतलब, स्क्विब, स्क्विब किसको बोलते हैं? स्क्विब इज अ फायरवर्क। फायरवर्क मतलब पटाखा, और डैम का मतलब है मॉइस्ट। किसी चीज को डैम्प कर देना, गीला कर देना, मॉइस्ट कर देना, ठीक है, मॉइस्ट कर देना, वेट कर देना। तो अगर आप पटाखे को, ठीक है, आप देखते हो दिवाली में पटाखे, दिवाली में यू पीपल परचेज फायरवर्क्स एंड ऑल, पटाखा खरीदते हैं और उसको आप क्या करते हो, धूप में सुखाते हो, ठीक है, ताकि वो अच्छे से आप उसको दिवाली वाले दिन क्रैक कर पाओ, ठीक है। तो ये पटाखे को अगर मॉइस्ट कर दिया जाए तो पटाखा फूटेगा ही नहीं, एक्सप्लोड करेगा ही नहीं, एक्सप्लोड करेगा ही नहीं। तो डैम स्क्विब वो चीज होता है ना, डिसअपॉइंटिंग। आपने सोचा था कि पटाखा को फोड़ेंगे बट पटाखा तो मॉइस्ट निकला, फटा ही नहीं। तो डैम स्क्विब हम उन लोगों के लिए बोलते हैं या उस सिचुएशन के लिए बोलते हैं जहां पे समथिंग विच फेल्स टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिजल्ट। आपने जो सोच के उसको किया था बट आपके मन अनुकूल उसने रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किया। तो डैम स्क्विब इज समथिंग विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, समथिंग नॉट एक्साइटिंग, ओके, समथिंग विच इज डिसअपॉइंटिंग। आपने जो सोचा था वो रिजल्ट आपको नहीं मिला, या समथिंग समथिंग विच डजेंट प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट। डिजायर्ड मतलब मन अनुकूल रिजल्ट आपने जो सोचा था उसने प्रोड्यूस नहीं किया, तो समथिंग दैट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग समथिंग। हाँ, इस बार पटाखा बैन है, वो तो मैंने आपको मीनिंग समझाने के लिए बता दिया, पटाखा बैन है, यस, फायरवर्क्स, डिससैटिस्फैक्शन। आ जाओ टू बरी द हैचेट। ये हैचेट किसको बोलते हैं? व्हाट इज अ हैचेट? पटाखा को गीला रहता है ना तो पटाखा फटेगा ही। हैचेट, हैचेट किसको बोलते हैं? ऊंची दुकान फीका पकवान, यस, जो सोचा था वो हुआ नहीं। हैचेट, हैचेट किसको बोलते हैं? ये जो हैचेट है, दिस इज अ टूल, इट्स अ वेपन, इट्स अ टूल टू कट ट्री, पेड़ वगैरह काटने के लिए ये एक हथियार है, एक टूल है, पेड़ वगैरह काटने के लिए यूज करते हैं, पेड़ वगैरह काटने के लिए यूज करते हैं। और बरी करना मतलब गाड़ देना, तो ये जो हथियार है, हथियार को जमीन के अंदर गाड़ दिया परमानेंटली, इसका मतलब है हथियार किस लिए उठाते हो? जिसे आपकी दुश्मनी है, ओके, एनमिटी में हो, उसके लिए हथियार उतारते हो, लेकिन आपने हथियार को बरी कर दिया, हमेशा के लिए गाड़ दिया, टू एंड, एंड कर लेना, यस, टू मेक पीस, एंड दुश्मनी, क्वारल, टू एंड, एंड अ क्वारल, लड़ाई झगड़ा को खत्म करके, टू मेक पीस, शांति, शांति कर, टू मेक पीस, ओके, आपने हथियार को दबा दिया, मिट्टी में गाड़ दिया, मिट्टी में गाड़ दिया, टू एंड एनिमिटी, टू एंड अ क्वारल, लड़ाई झगड़ा खत्म करके दोस्ती कर लेना। अब टू बरी द हैचेट है। अब नेक्स्ट आ जाओ टू टेक अप द हैचेट। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां तो आपने उस टूल को गाड़ दिया, और टेक अप द हैचेट का मतलब क्या है? टेक अप द हैचेट पूरा, यस, बरी द हैचेट का मतलब है पुरानी दुश्मनी खत्म कर लेना, यस, इस टाइम पे रेगुलर होती है, इस टाइम पे ही रेगुलर होती है। और यहाँ पे आपने टेकअप, टेकअप मतलब हथियार ले लिया, तो यहाँ पे क्या है? टू फाइट। यहाँ तो आप लड़ने के लिए तैयार हो, रेडी फॉर अ फाइट, 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 दुश्मनी ले लेना, फाइट करना, बट यहाँ पे आपने इसको गाड़ दिया जमीन पे, बरी डेड, तो यू एंडेड द क्वारल, बट यहाँ तो फिर से फाइट के लिए आप रेडी हो, रिवेंज लेना, फाइट कर। अच्छा, व्हाट इज दिस डच ट्रीट? डच ट्रीट या गो डच, नो डाउट बोथ द इडियम्स दे कन्वे द सेम मीनिंग। ये जो डच वर्ड है ना, इसके पीछे भी, इसका भी इटिमोलॉजी है, इसका भी ओरिजिन है, ये फ्रेज कहाँ से निकल के आया, जस्ट थोड़ा सा कहानी सुनते हैं। 17th सेंचुरी में देर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट, देर वॉज अ फाइट बिटवीन इंग्लैंड एंड नीदरलैंड्स। ये नीदरलैंड के लोग को ही हम डच बोलते हैं,
नीदरलैंड, हॉलैंड, इसी लोग को हम डच बोलते हैं, इंडिया के लोग को इंडियंस, तो नीदरलैंड के लोग को डच। तो 17th सेंचुरी में इंग्लैंड और डच लोगों के बीच में फाइट चल रहा था। रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू ट्रेड, व्यापार से रिलेटेड, ट्रेड रूट, ट्रेड का रूट या बहुत सारे व्यापार से रिलेटेड दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। और उसी समय इंग्लिश पीपल ने इस डच को कुछ नाम दिया, ठीक है, इंग्लिश पीपल ने डच को कुछ नाम दिया, और वो नाम नेगेटिव कोनोटेशन में था। जो भी डच को नाम दिया गया ना, वो नेगेटिव सेंस में व्यंग करते हुए, सरकाज़म करते हुए इंग्लैंड के लोगों ने इस डच को नाम दिया। जैसे डच ट्रीट, डच ट्रीट किसको बोलते हैं? जैसे आपको किसी पर्सन ने ट्रीट दिया, तो ट्रीट में आपको अपने पैसे खर्च नहीं करने हैं ना। द पर्सन हु इज गिविंग द ट्रीट, ही विल बियर ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंडिचर जो भी ट्रीट का है। बट डच ट्रीट का मतलब होता है ना झूठा ट्रीट, फॉल्स ट्रीट। तो ये डच से जो भी वर्ड निकल के आएगा ना, वो नेगेटिव कॉनोटेशन में ही जाएगा, बिकॉज दिस इंग्लैंड के लोगों ने, इंग्लिश पीपल ने डच को जो भी नाम दिया व्यंग में दिया। तो डच ट्रीट इज अ फॉल्स ट्रीट। या कोई भी चीज गो डच, कोई भी चीज गो डच हो गया, मतलब ऐसा ट्रीट जहां पे इंडिविजुअल्स को अपने खाने पीने के लिए खुद पे करना पड़ा। डच ट्रीट या गो डच इज अ मील और इज अ ट्रीट, मील मत लिखो, इट्स अ ट्रीट इन विच। तो ये तो झूठा ट्रीट हो गया ना, जैसे आपको कोई बोल के ले गया कि चलो मैं ट्रीट देता हूँ आपको, कोई खर्च नहीं करना है, और पता चला कि आपको ट्रीट में खुद पैसे पे करना पड़े, तो आप यूज करोगे ना इट वॉज अ डच ट्रीट। ये तो नकली ट्रीट था, मतलब मुझे पैसे खर्चे करने पड़े। ओके, तो ट्रीट इन विच एवरी मेंबर हैज टू पे फॉर हिज और हर ओन मील, ठीक है। तो डच से जो भी idioms बनेगा ना, डच से जो भी idioms बनेगा, that will have a negative connotation, negative sense में बनेगा। His or her, तो Dutch treat is a treat, go Dutch का मतलब है भाई ये तो treat go Dutch में चला गया, ये तो बेकार हो गया, यहाँ तो मुझे पैसे खर्च करने पड़े। तो इट्स अ ट्रीट इन विच ईच एंड एवरी मेंबर हैज टू पे फॉर हिज आर ओन मील, अपने खाने का खुद पैसा देना पड़ा, इसका मतलब ये ट्रीट वॉज फॉल्स। तो गो डच और डच ट्रीट का एक ही मतलब है। एंड वॉट अबाउट इन डच? ये तो प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। इन डच का मतलब इन डच वॉट इज द मीनिंग ऑफ इन डच? अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि idioms में आई ट्राइड, idioms में काफी सारे बच्चे मैम कैसे याद किया जाए। इन डच, वेरी गुड राहुल। समथिंग इन डच का मतलब है डच में, मतलब इन डेंजर नेगेटिव ही जाएगा, नेगेटिव। डच करेज, ये तो घर में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बट एक बार सिचुएशन फेस करेगा ना तो ही विल शो डच करेज। जैसे डच ट्रीट था ना, डच ट्रीट वॉज फॉल्स ट्रीट, उसी तरह डच करेज इज फॉल्स करेज। फॉल्स करेज मतलब करेज शोन अंडर इंटॉक्सिकेशन। कभी कभी ये देखते हो, किसी को आप वाइन शराब वगैरह पिला दोगे तो वो क्या करेगा ना, जो मतलब बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलेगा, बहुत ज्यादा साहस दिखाएगा, क्योंकि अभी तो वो अपने कॉन्शियस स्टेट में नहीं है ना, समझ नहीं पा रहा है सिचुएशन को, तो वो बढ़ चढ़ के बातें करेगा, ठीक है, उसी को हम डच करेज बोलते हैं। करेज शोन अंडर इंटॉक्सिकेशन, किसी को कोई नशा या वाइन शराब पिला के जो करेज दिखाते हो ना, दैट इज डच करेज। यस, डच करेज इज फॉल्स करेज। दारू पिलाकर करेज दिखा रहा है, यस। एक तो दारू साउंड अच्छा नहीं। नेक्स्ट, टू स्टीयर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, हॉर्नेस्ट के नेस्ट को स्टीयर अप करना। स्टीयर अप करना मतलब प्रवोक करना, उकसाना, प्रवोक, किसी को उकसाना, इनसाइट करना। हॉर्नेस्ट के नेस्ट को उकसाना, व्हाट इज अ हॉर्नेस्ट? हॉर्नेट किसको बोलते हैं? उत्तेजित करना, हॉर्नेस्ट, इट्स अ बर्ड। ये भी एक हॉर्नेस्ट, इट्स अ बर्ड, बर्ड है या इंसेक्ट है शायद, ऐसा बर्ड इंसेक्ट कैटेगरी में है, बर्ड इंसेक्ट कैटेगरी में है, जिसका स्टिंग, जो आपको स्टिंग करेगा ना, काटेगा, तो उसका स्टिंग इज वेरी हार्मफुल, वेरी जहरीला, वेरी हार्मफुल,
वेरी हार्मफुल, वेरी हार्मफुल. टेक डेंजर फेस टू फेस. यस. टू स्टीयर अप किसी हॉर्नेट, हॉर्नेट तो बहुत जहरीला, बहुत हार्मफुल बर्ड इंसेक्ट है, तो उसके नेस्ट को स्टीयर अप कर रहे हो, उसके नेस्ट को छेड़छाड़ कर रहे हो, तो वो क्या करेगा? प्रॉब्लम कॉज करेगा. यस. तो स्टीयर अप अ हॉर्नेट नेस्ट का मतलब होता है टू क्रिएट डिफिकल्टी. ठीक है, जान बूझ कर डिफिकल्टी क्रिएट करना. आपको पता है कि ये आपको स्टिंग करेगा और उसका स्टिंग हार्मफुल होगा, बट फिर भी जाके आप उसके नेस्ट को उत्तेजित कर रहे हो. जैसे मधुमक्खी को करते हो तो वो तो आप पे अटैक करेगा. ओके. टू क्रिएट डिफिकल्टीज, जानबूझ के डिफिकल्टी क्रिएट करना. यस. अच्छा, हमारे यहाँ हड्डा बोलते हैं. वही हड्डा, लेकिन हड्डा तो अलग होता है ना. हड्डा तो लोकस्ट को बोलते हैं, हड्डा तो अलग है. क्रिएट प्रॉब्लम्स, हाँ, जानबूझ के इंटेंशनली प्रॉब्लम्स क्रिएट करना. जानते हो कि आपको प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होगा. ओके. हमारे यहाँ हड्डा बोलते हैं, सब जगह बोलते हैं हड्डा, सब जगह बोलते हैं. सीडीएस का भी इडियम्स एंड फ्रेजेस करवा दीजिएगा. बिल्कुल बिल्कुल. विल ओ द विस्प, विल ओ द विस्प, तो ये तो सीएचएसएल में आ गया है. सीएचएसएल क्या है? इट्स अ वेरी कॉमन इडियम, बहुत कॉमन इडियम है जो एग्जाम्स में आता है. चलिए आंसर बताइए. कोर्स खरीद लीजिए प्री प्लस मेंस का, क्लासिक बैच, वहां काम हो जाएगा. विल ओ द विस्प, इसका मतलब क्या है? अनरियल इमेजिनेशन. हाँ, विल ओ विस्प का मतलब होता है ना अनइमेजिनरी गोल, अनइमेजिनरी, सॉरी अनइमेजिनरी ने अनरियलिस्टिक गोल. ऐसे गोल के पीछे भाग रहे हो ना जो रियल है ही नहीं, जो अचीव कर ही नहीं सकते. अनरियलिस्टिक गोल का मतलब होता है इल्यूजन, भ्रम, भ्रम, छलावा. ओके, इट्स अ इल्यूजन, समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू अचीव. देख लेना आपके ऑप्शन में क्या है. समथिंग, समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू अचीव, कुछ ऐसा चीज जिसको अचीव करना डिफिकल्ट है. क्यों? क्योंकि वो अनरियलिस्टिक है, रियल नहीं है, इमेजिनरी है. एक काल्पनिक गोल के पीछे भागना, काल्पनिक गोल के भाग, हाँ, वाइल्ड गूस चेस, अ फ्यूटाइल चेस, जिसको हम बोलते हैं ना पाइप ड्रीम. पाइप ड्रीम, ऐसा ड्रीम जो कभी पूरा होने वाला नहीं है, अ ड्रीम जो कभी भी पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक गोल है, अनरियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक. आप इसको कैसे याद रखोगे बता रही हूं. ये विस्प क्या होता है? विस्प, ये विस्प इज अ स्ट्रॉ. जब प्लांट्स वगैरह सूख जाता है, तिनका, प्लांट्स वगैरह सूख, विस्प होता है स्ट्रॉ. जब प्लांट्स वगैरह मार्शी एरिया में ना, मार्शी मतलब दलदल वाले एरियाज में, जब प्लांट सूखने लगते हैं, ठीक है, प्लांट सूखने लगते हैं तो वो डीके, प्लांट्स जब डीके होता है, नष्ट होने लगता है, तो वो सर्टेन गैसेस रिलीज करते हैं, ठीक है, सर्टेन गैसेस रिलीज करते हैं. तो उस वजह से ये जो सूखा हुआ तिनका है ना, ये लाइट एमिट करता है, ठीक है, ये थोड़ा सा लाइट एमिट करता है. और जो ट्रैवलर्स को लगता है ना कि ये लाइट हमें रास्ता दिखाएगा, ठीक है, जहाँ जाना है, इट विल लेड टू द पाथ, ये लाइट हमें रास्ता में चलने में हेल्प करेगा, राह दिखाएगा. बट ये विस्प आपको एग्जैक्टली राह नहीं दिखा रहा है, ये तो आपको और दलदल में ले जा रहा है, और दलदल में ले जा रहा है. यस. तो विल ओ विस्प का मतलब है ऐसी चीज जो आपको लग रहा है कि आपको गोल की तरफ ले जा रहा है, बट वो गोल नहीं है. ये लाइट आपको दलदल की तरफ नहीं ले जा रहा, मतलब ये लाइट आपको हेल्प नहीं कर रहा है, ये तो और आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में ले जा रहा है. तो समथिंग विच इज छलावा, इल्यूजन, अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक. लाइक मिराज, 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 मिराज. यस. तो विल ओ विस्प का मतलब है अनरियलिस्टिक गोल, अ गोल विच इज नॉट रियल. इट्स अ इल्यूजन, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव. इल्यूजन होता है, हाँ, इल्यूजन लिखा है ना, भ्रम. नेक्स्ट, सीज द नेटल. ये नेटल क्या होता है? नेटल, सीज का मतलब होता है कैप्चर करना, कैप्चर, कैप्चर करना, कैप्चर करना, कैप्चर करना. हाँ, चलो बताओ, नेटल, नेटल क्या होता है? व्हाट इज नेटल? सेशंस अच्छे लग रहे हैं. ओके, तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, ताकि हम लोग इडियम्स का सीरीज आगे भी कंटिन्यू रखें. ओके, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा. व्हाट इज अ नेटल? नेटल, नेटल ना, सीज द नेटल.
बॉटल नेक अलग है, बॉटल नेक अलग, बॉटल नेक अलग वर्ड होता है, ठीक है, बॉटल नेक अलग वर्ड है। सीज का मतलब क्या होता है? सीज का मतलब होता है कैप्चर करना, सीज का मतलब होता है कैप्चर करना। एक मिनट, नेटल, नेटल एक प्लांट है, ठीक है, नेटल एक प्लांट है, नेटल इज द नेम ऑफ अ प्लांट। ये प्लांट इज वेरी थॉर्नी, इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, जब उसको चूओगे ना तो आपका स्किन में रैशेस हो जाएगा, स्किन रेडिश हो जाएगा, ठीक है, थॉर्नी होता है, कांटा से भरा होता है, उसको चूओगे तो इट विल हार्म यू, आपके स्किन में रैशेज हो जाएगा। तो आपने इस प्लांट को ही सीज कर लिया, सीज कर लिया मतलब अपने कब्जे में ले लिया, कब्जे में ले लिया मतलब क्या है, हाँ, टू परफॉर्म वेल इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, टू फेस अ डिफिकल्टी। नागफनी, नागफनी को बोलते हैं, नागफनी तो क्या हो गया, नागफनी तो कैक्टस हो गया ना, नागफनी तो कैक्टस हो गया, कैक्टस को बोलते हैं। तो नेटल एक प्लांट है, बहुत थॉर्नी होता है, कांटे वाला, तो आपने नेटल को ही सीज कर लिया, कैप्चर कर लिया, टू फेस डिफिकल्टी बोल्डली, बोल्डली किसी भी डिफिकल्टी को बोल्डली फेस करना, काबू में कर लेना, बोल्डली फेस करना, काबू में कर लेना, सब्जुगेट करना, किसी को हरा देना, दबा देना। नागफनी अलग होता है, हिली एरियाज में होता है। ओके, बिच्छू काटा है उसकी तरह। ओके, कैक्टस तो आई थिंक कैक्टस इज नागफनी, ये भी एक नेटल होता है, गूगल कर लेना, इमेज आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, ग्रीन थंब तो पिछले बार सीजीएल प्री में अपनी मेंस में आया, ग्रीन थंब। वैसे मैंने आपको ग्रीन कलर से बहुत सारा करवाया है, ग्रीन, अगर मैंने बोला ना ही इज ग्रीन, एक तो ग्रीन का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, ही इज ग्रीन, ग्रीन का मतलब कच्चा, जैसे आप मैंगोज, मैंगोज ग्रीन कलर का होता है, कच्चा होता है। अभी वैसे ही मैं स्टूडेंट्स के लिए बोलूंगी ना, ये स्टूडेंट्स अभी कच्चा है, अभी इसको रिफाइन करने की जरूरत, तो ही इज ग्रीन, एक ग्रीन का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस, ठीक है, अ पर्सन हु इज ग्रीन, ग्रीन पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज न्यू, इनएक्सपीरियंस्ड है, इनएक्सपीरियंस्ड, एक तो हो गया। और ग्रीन थंब, ग्रीन थंब हम उन लोगों के लिए बोलते हैं ना जिसको गार्डनिंग, बागवानी का शौक है, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ, एक तो ग्रीन हरियाली, वेजिटेशन, फ्लोरा, उस सेंस में भी जाता है, अ पर्सन, एक तो ग्रीन का मतलब इनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, ऐसे लोग जिसको बागवानी का बहुत शौक है, तो दैट पर्सन को हम ग्रीन थंब बोल सकते हैं, ग्रीन थंब, ग्रीन थंब। और इसका उल्टा क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया है ब्राउन थंब, ब्राउन थंब, ग्रीन थंब का उल्टा हो जाता है ब्राउन थंब, जिसको बागवानी का शौक नहीं है, वन हु इज नॉट फॉन्ड ऑफ, जिसको गार्डनिंग, बागवानी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इनएफिशियंट, इनएफिशियंट है, इनएफिशियंट है। चलिए आगे बताइए, आगे का आंसर बताइए, थंब वाला बहुत सारा हमने ले लिया है, आगे का बताइए, थंब, थंब से रिलेटेड आपका तीन हो गया। ग्रीन आइड, ग्रीन आइड किसको बोलते हैं, ऐसे बोलते हो ना, ही इज माई, ये तो मैंने ग्रीन कलर वाले में जरूर करवाया होगा, ही इज अ ग्रीन आइड फ्रेंड, ग्रीन आइड फ्रेंड हम उसको बोलते हैं ना जो फ्रेंड आपसे जलते हैं, जेलस है, अ फ्रेंड हु इज जेलस, जेलस। जैसे फेयर वेदर फ्रेंड भी होता है, फेयर वेदर फ्रेंड वो फ्रेंड होते हैं ना जो आपके अच्छे समय में साथ देते हैं, बुरे समय में छोड़ के चले जाते हैं, दे लीव यू इन द लर, फेयर वेदर फ्रेंड उसको बोलते हैं। ग्रीन आइड मतलब जिसकी आंखें हरी होती है, जेलस होते हैं, वो अलग। अच्छा, ब्राउन थंब, अ पर्सन हु इज नॉट फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, व्हाट इज द रूल ऑफ द थंब, जैसे बोलते हैं ना, ये दिस इज नॉट अ प्रूवन फैक्ट, इसे प्रूफ तो नहीं हुआ है, बट मेरे एक्सपीरियंस से इट्स अ रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब किसको बोलते हैं, रूल ऑफ थंब, इट्स अ रूल ऑफ थंब, हाँ, समथिंग समथिंग, हाँ, वेरी गुड आशीष, रूल ऑफ थंब का मतलब होता है ना, इट्स अ जनरल रूल, अ जनरल रूल, अ रूल, अ थिंग, जिसको जो थ्योरी नहीं प्रैक्टिकली आपने समझा है, रियलिस्टिक है। रूल ऑफ थंब मतलब समथिंग अंडरस्टूड, समथिंग अंडरस्टूड थ्रू एक्सपीरियंस। कुछ कुछ चीजें थ्योरी में होती है और कुछ कुछ चीजें रियलिटी में होती है, तो रूल ऑफ थंब मतलब जो थियोरिटिकल नहीं है, जो रियलिटी, जिसको वास्तविकता में आपने एक्सपीरियंस करके जो रूल बनाया गया है, तो एक जनरल रूल,
इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो थ्योरी में नहीं है, ये प्रूवन है, ये जनरल है जिसको सब लोग मानते हैं, ये रियलिस्टिक है, ये हर जगह लागू किया जा सकता है, अंडरस्टूड थ्रू एक्सपीरियंस, इसको बोलते हैं बाय द रूल ऑफ द थंब. गधों की सरकार थोड़ी है ये, थोड़ी है गधों की सरकार. रूल ऑफ थंब इज अ जनरल रूल, ये एक जनरल रूल है. ओके ये एक जनरल रूल है और सबके लिए लागू है क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स अलग है. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब है ना, सब चीज में माहिर हो ना, बट मास्टर इन नन. ओके थैंक यू श्रेष्ठा, थैंक यू. इट्स अ जनरल रूल जिसको सब लोग मानते हैं, इट्स अ रूल ऑफ थंब, इट्स अ रूल ऑफ थंब. नेक्स्ट वाला, ऑल थम्स. ऑल थम्स का मतलब क्या है? हरफान मौला, क्या जबरदस्त हिंदी लिख दिया है, हरफान मौला. ऑल थम्स, थम्स का आपने चार पढ़ा, एक तो थम्स अप, किसी को आप थम्स अप कर रहे हो, जैसे कुछ तो मुझे थम्स अप कर देते हैं, कुछ तो वीडियो शुरू होने से पहले थम्स डाउन कर देते हैं, थम्स अप तो अप्रिशिएशन का हो गया. और ग्रीन थम, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग. ब्राउन थम, जिसको गार्डनिंग का शौक नहीं है. और रूल ऑफ थम मतलब एक जनरल रूल जो एक्सपीरियंस पिक के बेस पे बनाया गया है. और ऑल थम्स का मतलब क्या होता है? ऑल थम्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल थम्स? ना, ऑल थम्स का मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, अनपढ़ भी नहीं बोलोगे, पागल भी नहीं है. तमल आशीर्वाद दे दिया मेंस के लिए, मैंने मेंस के लिए एक सेशन बनाऊंगी जहां पूरा आशीर्वाद और बेस्ट विशेस आपको दूंगी. ऑल इन ऑल ना, यस यस, विनय हैज गिवन द करेक्ट आंसर. ऑल थम्स का मतलब होता है ना, अ पर्सन हु इज वेरी क्लमजी. क्लमजी का मतलब समझ रहे हो, बहुत अटपटा. अटपटा, और अटपटा किस सेंस में? इन द यूज ऑफ हैंड्स. आप अपनी हाथों को बहुत एफिशिएंटली नहीं यूज कर पाते हैं ना, उसके लिए हम ऑल थम्स यूज करते हैं. जैसे मैंने बोला जो कार्ड गेम होता है, कार्ड गेम में देखते हो पहले कार्ड को ऐसे ऐसे सजाते हैं, पत्ते को ऐसे ऐसे फेंकते हैं, तो मैं बोलूंगी आई एम ऑल थम्स इन कार्ड्स. मैं ऑल थम्स हूँ कार्ड्स को, कार्ड्स को शफल करने में ऑल थम्स हूँ. मतलब जहां आपको हाथों का हुनर दिखाना है वहां पे आप नहीं दिखा रहे हो, तो यू आर क्लम्सी, यू आर ऑकवर्ड. जो काम आप हाथ से एफिशिएंटली नहीं कर पाते हो उसके लिए ऑल थम्स होता है. वेरी अटपटा, अ वेरी ऑकवर्ड पर्सन, स्पेशली इन द यूज ऑफ योर हैंड. हाथों को यूज एफिशिएंटली नहीं कर पाते हो, दिस इज ऑल थम्स. ऑल थम्स, वेरी ऑकवर्ड. ग्रम्पी तो अलग हो गया, ग्रम्पी तो चिड़चिड़ा, क्रैंकी, ग्रम्पी कंप्लेनिंग मूड. आई लर्न्ड मेनी इन इंग्लिश ग्रामेटिकल सेंस. ओके सैलेड डेज, सैलेड डेज भी सुनाओ. अच्छा इसको दो तरीके से याद करो. सैलेड डेज का मतलब होता है ना, जैसे अभी तो आप सैलेड डेज में नहीं हो, यू पीपल आर. सैलेड डेज का मतलब होता है ना एडोलसेंस, जब आप अपने एडोलसेंस किशोर अवस्था में होते हो, व्हेन यू पीपल आर इन योर यंग डेज. सैलेड डेज का मतलब होता है यंग डेज, आप अपने यंग डेज में अभी इनएक्सपीरियंस्ड होते हो, लेकिन आप लोग तो अब एडल्ट बन गए हो, आप लोग एक्सपीरियंस्ड हो. ओके सैलेड डेज, सैलेड याद रखो, सैलेड में हम रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं ना, सैलेड में पकाया हुआ कुक्ड वेजिटेबल्स नहीं होता है. सैलेड में यू हैव रॉ वेजिटेबल्स, कच्चा वेजिटेबल्स, कच्चा वेजिटेबल से सैलेड बनाते हैं. तो अभी मैं बोलूंगी अभी पर्सन बहुत कच्चा है, कच्चा वेजिटेबल है, इसका मतलब है अभी तो ये यूथ है, अभी तो यंग है, अभी मेच्योर नहीं हुआ है, अभी इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस है. हाँ योर डेज ऑफ यूथ एंड इनोसेंस, जब आप बहुत सीधे साधे रहते हो, अभी आपके दुनिया के बारे में सारा एक्सपीरियंस आपने नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लिया. इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, अ यंग पर्सन हु इज वेरी इनोसेंट एंड इनएक्सपीरियंस्ड. और इसका रेफरेंस इन्होंने कहाँ से लिया है? अगर आपने शेक्सपियर का एंटनी एंड क्लियोपैट्रा पढ़ा होगा, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा शेक्सपियर का एक ड्रामा है, तो वहाँ जो मेन एक्ट्रेस है क्लियोपैट्रा, क्लियोपैट्रा ने ये वर्ड को यूज किया है, इन माई सैलेड डेज, इन माई सैलेड डेज. वो रिग्रेट कर रही है, वो अफसोस कर रही है कि उसके यंग एज में जो जूलियस सीजर से उसका अफेयर था उसके बारे में वो अफसोस जता रही है कि मेरे सैलेड डेज में आई हैड एन अफेयर विथ जूलियस सीजर, जिसके बारे में वो रिग्रेट कर रही है कि वो तो मेरा सैलेड डेज था, मतलब उस समय मैं यंग थी, मुझे एक्सपीरियंस थी, आई वॉज इनोसेंट एंड आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. हाँ एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, वो तो हैलोसिन वाला तो हो जाता है ना, वो तो डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हुआ,
इन माई सैलेड डेज आई वॉज ग्रीन. यस इन माई सैलेड डेज का आई वॉज ग्रीन. सैलेड डेज का मतलब ही होता है इन एक्सपीरियंस. ओके तो वो इमेच्योरिटी के सेंस में यूज कर रही थी. ठीक है तो आई थिंक हमने आई ट्राइड माई बेस्ट कि हमने कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक याद रखे. चलो एक बार देख लो आप तो फटाफट बोल लोगे भूलोगे नहीं. एक बार रिकैप कर लेते हैं. भूलोगे नहीं. लार्क को याद करो. लार्क इज अर्ली बर्ड जो मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ जाती है. तो राइज विद द लार्क मतलब सुबह सुबह लार्क के साथ उठ जा रहे हो मतलब अर्ली मॉर्निंग जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं. कुकू दूसरे के नेस्ट में जाके अंडे देता है. दूसरे के नेस्ट को कब्जा करता है. ठीक है तो ये अनवांटेड पर्सन है किसी सिचुएशन में. उनकी जरूरत नहीं है बट जबरदस्ती आके घुसा है. ओके देख लो फिर नेक्स्ट. स्क्विप बता दिया आपको. स्विप का मतलब होता है पटाखा. पटाखा अगर गीला है तो फटने वाला नहीं है तो समथिंग जो आपको रिजल्ट नहीं देने वाला. डिसअपॉइंटिंग है. आपने शुरू में तो बहुत सोचा था जैसे हमने सोचा था कि मुंबई इंडियंस सॉरी दिल्ली जीतेगा. दिल्ली जीतेगा बट दिल्ली ने स्कोर अच्छा नहीं किया तो इट प्रूव टू बी अ डैम स्क्विप. हमने सोचा था अच्छा परफॉर्म करेगा किया नहीं बट मुंबई बाजी ले गया. ओके एंड बरी द हैचेट. हैचेट इज अ टूल इंस्ट्रूमेंट जिससे लकड़ी काटते हो. उसको गाड़ दिया दुश्मनी खत्म. और इसको उठा लिया टेक अप. उठा लिया दुश्मनी शुरू. गुस्सा फाइट करने के लिए रेडी. और डच बता दिया. डच हमेशा नेगेटिव. ये इंग्लैंड के लोगों ने डच लोगों के लिए नेगेटिव वर्ड्स यूज किया गया तो डच ट्रीट है. फॉल्स ट्रीट है. बोलेगा ट्रीट देंगे बट ट्रीट देने वाला नहीं. आपको ट्रीट के लिए अपना पैसा खुद ही देना हो. ओके एंड रिवाइज डच इन डच में डेंजर में. और डच करेज फॉल्स करेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइन. हॉर्नेस्ट बहुत हार्मफुल बर्ड है. इसके नेस्ट के छेड़छाड़ करोगे प्रोवोक करोगे तो मुसीबत आप ही पे आएगी. विलो विस बता दिया. एक स्ट्रॉ है लाइट है. सूख जाने पे वो स्ट्रॉ है सूख जाने पे गैस एमिट करता है जिससे लाइट दिखता है. इल्यूजन है वो इल्यूजन. और लास्ट नेटल बता दिया. पेड़ कांटे वाला पेड़ है. कांटे वाले पेड़ को आपने सीज कर लिया मतलब कोई भी डिफिकल्ट चीज को अपने कब्जे में ले लिया तो डिफिकल्टी को फेस किया. ग्रीन थंब बता दिया. अ पर्सन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग. अ पर्सन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग उसको हम ग्रीन थंब बोलते हैं. ठीक है ग्रीन थंब बोलते हैं. नेक्स्ट ब्राउन थंब इसका उल्टा हो गया. रूल ऑफ द थंब तो रूल ऑफ द थंब है जिसको सब लोग मानते हैं. एक जनरल रूल है. और ऑल थम्स मतलब कोई चीज को अच्छे से नहीं कर पाना. अपने हाथों को एफिशिएंटली यूज नहीं करना. और सैलेड भी बता दिया. ओके सैलेड भी बता दिया. तो चलो सेशन को एंड करते हैं. पहले तो मुझे रिस्पॉन्ड करोगे डिड यू पीपल लाइक द सेशन idioms का. अगर सेशन को रिस्पॉन्ड करोगे तभी मैं आगे और भी कहानी बना के सेशंस करूं. अदरवाइज नो. दूसरा स्पॉटिंग एरर्स पढ़ाऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्सेस. कॉमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करो. Was the session fruitful? अच्छा ओके हाँ मतलब दो तीन को अच्छा नहीं भी लगा तो जिसका अच्छा नहीं लगा नहीं देखना है. कोई दिक्कत नहीं है. जिसको अच्छा नहीं लगा नहीं देखना है. ऐसा थोड़ी है कि इस सेशन के लिए आपने पे किया है. ओके इट्स नॉट अ पेड बैच कि अगर किसी को पसंद नहीं आया तो आपकी मजबूरी है देखना. जिसको नहीं पसंद आया वो नहीं देखेंगे. व्हाई विल यू वेस्ट योर टाइम. ओके 40 मिनट्स हो गया आपका. 40 मिनट्स प्रेशियस वेस्ट हो गया. व्हाई विल यू वेस्ट योर टाइम. वही देखेंगे जिसको पसंद आएगा. ओके जिसको पसंद आएगा. यस हाँ 1 बजे इसीलिए मैंने आज जल्दी खत्म किया है क्योंकि एज यू पीपल नो मंडे वेडनेसडे को तो अन अकेडमी पर भी क्लास रहता है. जिस दिन नहीं रहता है ना मैं पूरे 1 आवर पढ़ा देती हूँ. बट आई हैव माई क्लास फ्रॉम 1 PM. ओके मुझे स्लाइड्स वगैरह रेडी करना है तो लेट्स एंड द सेशन. हाँ कल नीतीश जी जीत गए बिहार में. हाँ तो भाई जो नीतीश जी के सपोर्टर थे उनको कॉन्ग्रेट्स. वन ऑफ द बेस्ट चैनल नहीं बोलोगे चैनल्स बोलना. वेरी फ्रूटफुल. यस मोहित क्या डैट हमेशा पास्ट में आता है. ऐसा डैट का पास्ट या प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं. डैट प्रेजेंट पास्ट किसी में आ सकता है. ओके तो चलो लेट्स एंड द सेशन. यस जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं ना मैंने आपको बताया मेरे चैनल पे तो मैक्सिमम पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें तो पसंद आएगा ही. कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा ना.
ओके अभी तो दीपावली के वजह से दो तीन दिन क्लासेस रुकेंगे भी, सैटरडे संडे मंडे भी नहीं होगा, बट आई विल ट्राई कि रिकॉर्डेड वीडियोस में डालूं। ओके चलो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियोस अच्छे, जो जो बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स इस चैनल पे, क्योंकि कई बार वो कमेंट पे लिखते हैं और मैं बोलती हूँ ना कि मैं बार बार कमेंट का आंसर नहीं दे सकती, इसीलिए मैं सीधा लाइव में आके बोल देती हूँ कि मैम कब वीडियोस अपलोड नहीं हो, मतलब वीडियोस का इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, वीडियोस कब कब आपके पास वीडियोस जो भी जाएगा उसके लिए पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे और एक घंटी का साइन दिख रहा होगा, बेल आइकॉन प्रेस करोगे ना, तभी आपके पास जब जब वीडियोस जाएगा उसका अपडेट मिलते रह जाए मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके हाँ स्पोकन का नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होगा, स्पोकन का नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन पे, इस चैनल अभी ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आई वुड एडवाइज सजेस्ट यू पीपल टू ज्वाइन द टेलीग्राम। टेलीग्राम लिंक दिया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, उसमें हर दिन क्विज जाता है, ठीक है, नॉन स्टॉप, बिना डिले, बिना बीच में गैप हुए, एवरी डे यू हैव क्विज एट 9:30 पे क्विज आता है, सो दैट योर स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। मैम आप जो क्विज डालते हो ना उससे आधा रिविजन तो वहीं पे हो जा रहा है, सबका डाल रही हूँ, एरर्स इंप्रूवमेंट वॉइस सबका क्विज जा रहा है, तो आप इससे जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही जाना, अदरवाइज आप फेक पे पहुंच जाओ। और बाकी टेलीग्राम चैनल पे आपको सारा बैच का अपडेट्स भी मिलते रहेगा, अपडेट्स भी मिलता रहेगा। अपडेट अनअकैडमी पे कितना पैसा लगेगा, अनअकैडमी पे आप 1 ईयर का लोगे ना, क्योंकि आप तो सब 1 ईयर लिए, ये जो क्लासिक बैच है ना उसमें तो स्टूडेंट्स आर इंजॉइंग इन क्लासिक बैच। 1 ईयर का मैक्सिमम बच्चों ने लिया, 6,000 दिखाएगा, बट रानिक 10 कोड यूज करोगे तो 10 RANI विदाउट स्पेस 10, तो ये आपका 5400 यस। और आप बोलोगे कि मैम इंग्लिश के लिए सिर्फ 5400, इंग्लिश के लिए तो पूरा एक साल 5400, बट इसमें इंग्लिश नहीं है, इसमें आपका मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, जीएस भी है, आपके पास मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं, एंड इट्स अप टू यू टू सेलेक्ट योर टीचर, एडुकेटर आपको अपना सेलेक्ट करना, मतलब पूरा SSC, पूरा SSC आपको मिल जाएगा 5400, ठीक है। और वीडियो की वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर तक, पूरा SSC आप कोर्स पढ़ सकते हो, ठीक है, 1 ईयर तक वैलिडिटी रहेगी, अनलिमिटेड वॉच रहेगा। और अभी अनअकैडमी का फी भी हाइक करने वाले हैं, तो जो बच्चे, इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को प्रेशराइज कर रही हूँ, बट जो बच्चे मन बना रहे हैं, ठीक है, 5400 1 ईयर का है, पूरा SSC, सिर्फ मेरा कोर्स ही नहीं है, पूरा SSC, बट आपको ये कोड यूज करना है। हाँ नेक्स्ट मंथ से उनका मैसेज आया है कि नेक्स्ट मंथ से अनअकैडमी का फीस हाइक हो रहा है, फी हाई हो रहा है, ठीक है, वो फी बढ़ा रहे हैं, नो डाउट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, फी वो बढ़ा रहे हैं, तो जो बच्चे एडमिशन लेने का मन बना रहे हैं वो फटाफट एडमिशन ले ले, फीस बढ़ने से पहले एडमिशन ले लीजिए। अभी मैं फी हाइक में कैसे कैसे कौन कौन सा आप, मतलब सब्सक्रिप्शन पे 1 ईयर पे कितना बढ़ा है, 6 मंथ्स पे कितना बढ़ा है, उसका मैं आपको डिटेल बता दूंगी, बट वाई टू वेट फॉर दिस हाइक, क्यों वेट करोगे आप, उसके पहले एडमिशन ले लो अगर मन बना रहे हो, अगर मन बना रहे हो तो। ओके तो चलो एंड किया जाए, हाँ एंड किया जाए।